हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ट्रैवलर्स। अब सुबह के 9 बज रहे हैं और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हमारी हरिद्वार की यात्रा जारी रहेगी, तो अब हम माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। माँ चंडी देवी का मंदिर नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए हमें ट्रॉली से ट्रेवल करना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ऑलरेडी ट्रॉली में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और नीचे बहती धवल माँ गंगा का बहुत ही मनोरम दृश्य दिख रहा है। फ्रेंड्स, ट्रॉली के थ्रू हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से आगे से है, जो कि पैदल जाने का रास्ता है, तो यहीं से हम आगे के लिए मूव करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं पौराणिक सिद्ध स्थल माँ चंडी देवी मंदिर हरिद्वार। तो इस विषय में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आइए मिलते हैं यहाँ के पुजारी जी से। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं? जय माता दी। तो इस मंदिर के विषय में हमें और ज्यादा जानकारी देंगे, पौराणिक सिद्ध स्थल के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्यम स्थानिच मनुष्यो मत प्रसादेनाम भविष्यतना संशय। ये इस पूरे पर्वत का नाम नील पर्वत है और नील पर्वत पर विराजमान माँ चंडी देवी दो रूप में विराजमान है। यहाँ पे एक स्वयंभू है रुद्र चंडी, या शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता यहाँ पे प्रकट हुई थी स्वयं कंभ से, भार कर कंभा प्रकट भई जगदम्बा, रुद्र चंडी है। स्वयंभू गणेश जी हैं और बीच में ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंगल चंडी। तो रुद्र चंडी का ध्यान हम इसलिए करते हैं कि उनका उसके हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, मानसिक कष्ट, किसी प्रकार का कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, इसलिए रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। ठीक है, और ये मंगल चंडी है मनोकामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, मकान के लिए, वाहन आदि के लिए, जो भी मंगल कार्य के लिए होता है मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। इसमें यहाँ पे स्वयं वो शिवलिंग भी है, स्वयं प्रकट है। पौराणिक सिद्ध स्थल और इस समय यहाँ पे माँ चंडी देवी मंदिर प्रमाण ट्रस्ट काम कर रहे हैं। इसके यहाँ के जो महंत जी हैं, महंत रोहित गिरी जी। तो पंडित जी, मंदिर की टाइमिंग्स क्या है? सुबह सुबह जो प्रातःकालीन आरती 5:30 बजे और शाम को 7:30। धन्यवाद। जय माता, जय माता दी। अभी अभी जैसा आपने देखा, हम माँ चंडी देवी के मंदिर में अंदर दर्शन करके आए हैं और पंडित जी से भी इस विषय में बहुत सारी जानकारी मिली, तो ये बहुत ही भव्य दर्शन थे।
फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं माता अंजनी देवी के मंदिर में, तो आइए अंदर चल के दर्शन करते हैं। पंडित जी नमस्कार। कैसे? नमस्कार जी, बस बढ़िया, आप सुनाओ? हम अच्छे हैं। तो हम यहाँ माता के मंदिर में आए हैं, तो थोड़ी सी हमें जानकारी देंगे मंदिर? ये अंजनी माता का मंदिर है, हनुमान जी की माता जी। यहाँ पे माता जी ने हनुमान जी को पाने के लिए तप किया 1000 वर्ष, उसके बाद हनुमान जी गर्भ में आए। तो ये नील पर्वत कजरीवन, यहाँ स्थान है, जो ये पर्वत है नील पर्वत कजरीवन, यहाँ माता जी की तपस्थली है। और सामने जैसे आप देख रहे हैं, गोदी में बाल स्वरूप हनुमान जी हैं। और इधर ये प्राचीन मूर्ति जो यहाँ से निकली हुई प्रतिमा है, ये अंजनी माता और अहिल्या माता है, हनुमान जी की माता जी और उनकी नानी जी, जो दोनों विराजमान हैं इसमें। और सामने अंजनी माता, उनकी गोदी में बाल स्वरूप हनुमान जी। तो पंडित जी, मंदिर की टाइमिंग के विषय में? टाइमिंग इस टाइम सर्दियों में तो आजकल 6 बजे सुबह खुलता है और शाम को 7 बजे 7:30 बजे तक बंद हो जाता है, और गर्मियों में तो 4:30 बजे खुल जाता है और शाम को 8-9 बजे तक रहता है, जिस हिसाब से रस रहता है उस हिसाब से। जी पंडित जी, हाँ जी, धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, धन्यवाद। माँ चंडी देवी और माँ अंजनी देवी के दर्शन के बाद अब एक बार फिर हम माँ गंगा के दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, सुबह ही गंगा जी की आरती के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर की पौड़ी पे, और यहीं पे अपनी हरिद्वार की यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। तो इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।